डिवाइस के हिसाब से लोग एडिटिंग करने जा रहे हैं पिक्सार्ट में अपनी फोटो एडिटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और कमेंट करके बताए वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए लेट्स डू इट। अपनी एक हाँ भाई फोटो ये फ़ोटो हमने ले लिया है। इस फोटो का बैकग्राउंड मैंने पहले से ही इरेज कर रखा है। अगर आप सबको नहीं पता कि बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। डन कर लेंगे एंड यहाँ चलेंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद अपने फ़ोटो थोड़े बहुत एडजस्ट कर लेंगे। शेडोज थोड़ी कम रखते हैं इरेज में आके इन्वर्ट करके ये अपने अपनी फ़ोटो पे मार लेंगे हम भी। मैंने यहाँ से टर्न कर लेंगे इसे एंड चलते हैं ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद ये बुके का इफेक्ट है, इसे लगेंगे हम एंड इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। सो ये देख सकते हो आप कितनी मस्त मतलब फ़ोटो लग रही है। यहाँ से भी ऐसा कर देंगे एंड इरेज पे आएंगे, हमारे जो पार्ट पे आ रहा है इन्हें इरेज कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट पे जो आ रहा है यहाँ से डन कर लेंगे इसे। फिर से ऐड फोटो में चलेंगे एंड एक ये वाली पीएनजी लेंगे। जो कहीं से यहाँ यहाँ लगा देंगे हम इसे यहाँ से डन कर लेंगे। फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और एक ये ब्लर वाला पीएनजी लेंगे हम, जो कि ये ब्लर है इसे भी स्क्रीन कर लेंगे यहाँ से। तो और यहाँ से डन कर लेंगे। देख सकते हो गाइस कितनी मतलब दो ही तीन चीज़ों में हमारी फोटो इतनी दासो बन गई। यहाँ चलेंगे ड्रॉ टूल में एंड यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे एंड वाइट सेलेक्ट करेंगे डन। एंड यहाँ से उसको ओवरले कर देंगे और अपने यहाँ यहाँ पे हमारी की ताकि लाइटिंग आए, क्योंकि हमारे साइड में लाइट है इसलिए लाइटिंग पड़नी चाहिए यहाँ पर। अच्छा हम बाद में से एडजस्ट कर लेंगे। चलिए देखिए अभी हम एडजस्ट करते हैं यहाँ से कैपेसिटी इतनी एंड थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेंगे। देखिएगा कितनी मस्त फोटो बन चुकी है यहाँ से हमारी। एंड हम यहाँ से इसे डन करते हैं एंड फिर से हम ड्रॉ टूल में जाएंगे और थ्री डॉट में आएगा सेव इमेज कर लेंगे एंड चलते हैं हम लाइट रूम की तरफ। लाइट रूम में हम फोटो ऐड करते हैं। ये हमारी फोटो देखिए आ गए हमारे फोटो हैं एंड इसकी लाइटिंग हम छेड़ेंगे थोड़ी बहुत। कंट्रास्ट इसके ज़्यादा नहीं, हाईलाइट इसके हाईलाइट थोड़े कम कर लेंगे एंड शेडोज़ भी कम कर देंगे एंड इसकी वाइट्स थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे एंड ब्लैक्स हल्के कम कर देंगे। चलते कलर में टेम्परेचर इसका रखेंगे हम +10 एंड टिंट भी हम प्लस की तरफ रखेंगे। वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन को कम कर देंगे। चलते मिक्स टूल में, मिक्स में हमें ऑरेंज सा कलर सेलेक्ट करना है। इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे, देख सकते हैं आप फेस पर लाइट पड़ रही है इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ाने से तो अच्छा इफेक्ट लग रहा है। एंड इस पर चलते हैं हम, इसका हम सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे एंड ग्रीन वाले का भी हम सैचुरेशन कम कर देंगे एंड ब्लू का भी सैचुरेशन कम, इसका हम सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे एंड इनका सैचुरेशन हम कम कर देंगे।
देंगे, यहाँ से डन कर देंगे, चलेंगे इसमें इफेक्ट्स में, यहाँ से इसकी क्लैरिटी बढ़ाएंगे एंड विग्नेट को कम कर देंगे एंड शार्पनिंग डालेंगे अपने फेस में ताकि शार्प लगे हमारी फ़ोटो एंड नॉइज रिडक्शन कर देंगे ताकि फेस स्मूथ हो जाए हमारी। देख सकते हो गाइस फ़ोटो पहले कैसे थी और अब कैसे होंगी, कितनी मतलब धासू से फोटो होंगे। तो चलिए गाइस यहाँ से 3M शेयर में जाएंगे सेफ टू डिवाइस कर लेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी एडिटिंग की इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अपने इस पर लाते रहता हूँ। ओके बाय।